मैं इसीलिए बार बार कहता हूं कि सोशल मीडिया बहुजन मीडिया है, क्योंकि ये तमाम वो चीजें हैं जो SC ST OBC माइनॉरिटी के हक अधिकार और उसके सरोकार से जुड़े मामले होते हैं, वो टीवी अखबार तो दूर की चीज है साहब। जंतर मंतर पर धरना दीजिए लेकिन आपको कोई बात करने वाला भी नहीं आएगा। नेशनल दस्तक की कोशिश होती है कि तमाम ऐसी खबरें जो SC ST OBC माइनॉरिटी के लिहाज से अहम है वो आपको दिखाया जाए। एक मिशन आशा गठबंधन, ये दिखाइए सर एक मिनट। सफाई के कार्य को केंद्रीकरण करने एवं केंद्रीय कर्मचारी का दर्जा दिए जाने हेतु सफाई के कार्य सफाई मंत्रालय बनाए जाने एवं मृतक आश्रितों को हर हाल में नौकरी दिए जाने की। दरअसल इस देश में सफाई कर्मचारियों को तनख्वाह मिलती थी, सरकारी नौकरी थी, लेकिन आपको जानकर ताज्जुब होगा कि सबसे पहले जो प्राइवेटाइज किया गया, जो निजीकरण किया गया किसी काम का, तो वो था सफाई कर्मचारियों के काम का, और उसको फिर एडहॉक पे डाल दिया गया ठेका पर, जिनको 25 से 30 हज़ार सफाई कर्मचारी एक जाति के हिस्से वो काम थमा दिया गया था। और जब उनको 25-30 हज़ार रुपये मिलने लगे, उन्होंने अपने बच्चे को पढ़ाना लिखाना डॉक्टर इंजीनियर बनाना शुरू किया, फिर उन्होंने उसको एडहॉक पे कर दिया ताकि सफाई कर्मचारी का बेटा पीढ़ी दर पीढ़ी 10 हज़ार में सफाई कर्मचारी ही बना रहे, वो स्कूल ही नहीं जा पाएगा, उसको भोजन ही नहीं मिल पाएगा, तो वो करेगा क्या? एक गहरी साजिश होती है। और सोचिए, जिस देश में कलेक्टर DM को पैसे देने के लिए है लेकिन सफाई कर्मचारी को सैलरी भी नहीं मिलती। मैं दिल्ली में रहता हूँ, दिल्ली में लगातार ऐसे मामले आते रहते हैं कि सफाई कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिलती। उसी को लेकर एक मैसिव इन लोगों ने धरना प्रदर्शन का आयोजन किया है। जिन लोगों ने भी किया उनका नेशनल दस्तक की तरफ से शुक्रिया, और वो तमाम चेहरे हैं जो इस समय मौजूद हैं, उनसे बात भी करूंगा कि उन लोगों का डिमांड है क्या। लगता है कि जब आप भी आप जान लीजिए कि आप जब जाएंगे सुलभ शौचालय में तो देखेंगे कि पैसा जो निजी टॉयलेट है जिसने करोड़ों का बिजनेस खड़ा किया है, वहाँ पैसा वसूलने वाला तो तमाम तरह के लोग हैं, तमाम कैटेगरी SC ST OBC माइनॉरिटी के भी लोग होंगे, लेकिन जो सफाई करता है वो सबके सब आज भी इस देश में शेड्यूल कास्ट के लोग हैं जिनके हिस्से ये काम छोड़ दिया गया है। उनकी आर्थिक स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है क्योंकि सफाई कर्मचारी चाहे वो कॉरपोरेट हो, प्राइवेट हो या सरकारी हो, सबको एडहॉक पे ठेकेदारी पे कर दिया गया है। ठेकेदार तो मोटा रकम उठाता है और वो भी कोई जनरल कैटेगरी वाला होता है, लेकिन जो सफाई का काम है अभी भी वो SC के हवाले है और उनकी ज़िंदगी अभी बदतर होती जा रही है। सर अपना पूरा परिचय बता दें। मेरा नाम कमल किशोर इंजीनियर है, मैं मिशन आशा गठबंधन का राष्ट्रीय महासचिव हूँ। ये कार्यक्रम का आयोजन हम लोगों ने यहाँ पर किया हुआ है जंतर मंतर। क्या क्या मांग है आप लोग? हमारी मांग है, सफाई का कार्य बहुत बड़े क्षेत्र में होता है, सबसे ज्यादा जनसंख्या बल में होता है, उसके बावजूद सरकारों ने इसको असंगठित रखा हुआ है। हम ये चाहते हैं कि सरकार सफाई के काम को केंद्रीकृत करते हुए सफाई का। आप बताइए, आप संगठन चला रहे हैं, पहले तो सफाई कर्मचारी सरकारी होते थे जी, और ज्यादातर SC समाज के लोग होते थे। मैं किसी जाति की बात नहीं करूंगा, मैं कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म्स इस्तेमाल कर रहा हूँ, SC ST OBC माइनॉरिटी SC समाज के लोग होते थे। ये प्राइवेटाइजेशन किन लोगों ने किया सबसे पहले? ठेकेदारी किन लोगों ने घुसाया इसमें? ये सबसे पहले ठेकेदारी भारतीय जनता पार्टी की अटल जी की जब सरकार आई। अच्छा, ये भी अभी हुआ है? जी जी, अटल जी की जब सरकार आई थी पहली बार, अटल जी ने इस सभी सिस्टम को फोर्थ क्लास को ठेके पर दे दिया गया। अच्छा, फोर्थ क्लास की नौकरियां पहले ठेके पर दी गई और उन्होंने संविदा ठेकेदारी आउटसोर्सिंग वहीं से स्टार्ट। अभी अभी एकदम ग्राउंड स्थिति क्या है? एक सफाई कर्मचारी जो ठेका पर काम करता है उसको कितना पैसा मिलता है? अभी उसको 5,000 मिल रहा है, कहीं 4,000। जी हाँ जी हाँ, बिल्कुल। मुझे तो लगता है आपको गुटखा बेचना चाहिए, चॉकलेट बेचना चाहिए, लेकिन सफाई का काम छोड़ देते। जब ये शहर बजबजाने लगेगी ना गंदगी से, और ये जो लोग फोटो खिंचाते हैं संसद भवन में और मतलब साफ सफाई जगहों पर कि मैं सफाई वाला अभियान चला रहा हूँ, आपसे सेस लिया जाता है, 5,000 रुपए मिलते हैं जी हाँ। जो मेरे मोहल्ले में जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ जो सफाई कर्मचारी आते हैं सुबह सुबह, उनको सिर्फ 5,000 मिल रहा है। यहाँ तक कि असम के लोगों से बात ही, वहाँ पे 2,500 रुपए मिल रहा है वहाँ तो, और असम में। अच्छा, अभी भी सफाई कर्मचारी में SC ST SC के अलावा कोई शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब या जनरल कैटेगरी के लोग कर रहे हैं काम या ठेकेदारी कर रहे हैं? इस सफाई के काम में अब तो सभी जाति धर्म समाज के लोग आ गए, इसमें हिंदू भी काम कर रहा है, मुस्लिम भी काम कर रहा है, यहाँ तक कि बनिया ब्राह्मण भी सफाई का काम कर रहा है, झाड़ू लगा रहा है, झाड़ू लगा रहे हैं। कहाँ दिल्ली में कहाँ लगा रहे हैं, मुझे बताइए, मैं मिलना चाहता हूँ। कुछ ये हो रहा है कि सफाई का काम तो ये लोग ले लेते हैं, मगर सफाई कहीं ना कहीं सफाई कामगारी वर्ग से ही कराते हैं। अच्छा, वो मतलब ठेकेदार हुआ ना? ठेकेदार हो, मतलब जानकारी है कि आप लोगों की कहीं जनरल अभी भी SC समाज के हिस्से में ये काम है या जनरल वाले कर रहे हैं? SC के हिस्से में ही काम है और अदरवाइज SC में वाल्मीकि समुदाय। 2,500 पे लोग काम कर रहे हैं? हाँ, 2,500, 4,000, 5,000, इससे ज्यादा नहीं मिल रहा है इन लोगों को। ठेकेदारी पे ये कर दिया गया है, इन लोगों का शोषण हो रहा है, गवर्नमेंट जब सही और ज्यादा शोषण हो गया। तो वाजपेयी जी के सरकार में हुआ है, भारत रत्न मिला है उनको, वाजपेयी जी की सरकार में, भारत रत्न वाले जो प्रधानमंत्री, उनका ये पहला काम था, उन्हीं का पहला। समझिए, होटल भी बेचे उन्होंने और फोर्थ कर्मचारियों को भी किया है। ये सरकार से कोई उम्मीदें हैं?
हमें कोई सरकार से उम्मीद नहीं, 370 जो लगाया है ये सिर्फ हमारा जो ध्यान है डाइवर्ट करने के लिए है, क्योंकि अभी जो है दिए थे ना जी, कूद कूद के वोट दिया था लोग। इसमें सर एक चीज बड़ी हमें दुख होता है, ये एक ही समाज है, वो जो कह रहे थे कि इसमें दूसरे लोग आ गए, दूसरे लोग आ तो गए हैं लेकिन वो काम नहीं करते हैं। मैं तो कह रहा हूँ सुलभ में जाता हूँ भाई, पैसा वसूलने वाला नहीं करता कोई, बहुत तरह के लोग हैं, एसटी ओबीसी भी होंगे, लेकिन झाड़ू जो लगाता है जो टॉयलेट साफ, आदमी की समुदाय है। आप तो सर देश भर में घूम रहे हैं, बहुजन आंदोलन में सबसे ज्यादा आपका कंट्रीब्यूशन है, क्या इसका इसकी बैकग्राउंड में क्या देख रहे हैं, क्या आपकी जान बुझ कर सफाई कर्मचारी जीवन भर सफाई रहे फिर इधर फिर इसीलिए नौकरी हटा दी गई? सर दरअसल ये एक काम है, मैं तो इसको काम की तरह देखता हूँ, सफाई के काम को भी ये काम है, एक जीवन सर वैसा काम जिसके पेट ही ना भरे उसमें क्या किया जाए। कोई बात नहीं, हमने सरकार को 2010 से करीब करीब हम लोग लगातार वो एक आंदोलन करते रहे कि जैसे सैनिक है जो बॉर्डर पे जो लड़ता है देश के लिए, लोगों की जान बचाने के लिए लड़ता है सैनिक, वहाँ युद्ध हो या ना हो लेकिन वो मरते दम तक सैनिक रहता है, मरने के बाद उसके बच्चों को जो सुविधाएं मिलती हैं वो सैनिक जैसी मिलती हैं। लेकिन अगर 5 दिन अगर यहाँ गंदगी को साफ ना किया जाए तो यहाँ महामारी से लोग मर जाएंगे, और महामारी से लोग मर जाएंगे तो उसको बचाने वाला कौन है? यहाँ पे जो सफाई कर्मचारी है, तो इनको जीवन रक्षक सैनिक का दर्जा दिया जाए, वो सब सुविधाएं दी जाएं, इनका जो मिलिट्री स्कूल है उनके बच्चों को पढ़ाया जाए, हमने ये बोला, तो एक तो इनको मान सम्मान मिलेगा, ऊपर से सारी आवासीय सुविधा मिलेगी, इन लोगों को और सुविधाएं भी मिलेंगी, इनके बच्चों को पेंशन मिलेगी, और दूसरा और भी इनके बच्चे पढ़ लिख जाएंगे। नौकरी थी उसको तो प्राइवेट कर दिया। अच्छा दूसरा है, ये बड़ी मुश्किल से जो सफाई के काम में से जो पढ़ लिख के जो लोग बाहर आए, आज इंजीनियर कमल किशोर जी आज इंजीनियर बने, मैं कोर्ट में बढ़िया नौकरी पे था, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में भी अच्छे से बिनर है, जो जो मेल है हम इसी काम से, सफाई कर्मचारी का बेटा स्कूल ही नहीं जा पाएगा, 5000 में क्या खाएगा भाई? हम इसी काम के लिए यही चिंता है, तभी तो हम सरकार से कहते हैं। अभी छत्तीसगढ़ में कुछ महिलाएं हैं जो समुदाय से जो है जिसको डोम जाति बोलते हैं या सतनामी लोग हैं, वहाँ 200 रुपया सिर्फ एक डिलीवरी केस में मिलता है उन लोगों को, और पूरे साल वो इंतजार करती हैं 200 रुपये के लिए, उसमें मिताइनिन उनको नाम दिया गया है, अगर वो मिताइनिन अगर किसी धरना प्रदर्शन में शामिल हो जाए तो सरकार उनको उस मिताइनिन के काम से भी हटा देते हैं, 1500-2000 रुपया उनको मिलता है पूरे साल में, वो पूरे महीने में 1500-2500 रुपया। एक इस बात से सहमत है कि ये पूरा का पूरा काम एससी कैटेगरी में उसमें भी वाल्मीकि समाज के हिस्से में छोड़ा हुआ है? अच्छा आप लोग झुटमुट के, आप लोग इतना बढ़िया कपड़ा पहने हुए इंजीनियर साहब, आप लोग ये कैंपेन चलाइए ना कि हम सफाई नहीं करेंगे, जाओ जी बिल्कुल, हम लोग इसी पूरी दुनिया में सर BMW से आते हैं लोग, मेरे खुशवंत सिंह का मैं एक बार लेख पढ़ रहा था, हिथ्रो एयरपोर्ट पे एक भारतीय मूल की महिला टॉयलेट क्लीनर का काम करती है, जब भी वो जाते हैं खुशवंत सिंह जाते थे टॉयलेट यूज करते थे तो वो महिला कहती थी कि सर मैं लंदन में हूँ जरूर लेकिन मैं टॉयलेट क्लीनर हूँ, तो खुशवंत सिंह कहते थे कि चलो फिर यहाँ, तो वो कहती थी कि मैं टॉयलेट क्लीनर जरूर हूँ लेकिन मैं किसी आईएएस से बेहतर स्थिति में जिंदगी जी रही हूँ, ये लंदन की बात बता रहा हूँ, यहाँ जानबूझकर जाति बनाई गई थी, एक कपड़ा धोने वाला, एक खाना बनाने वाला, एक चमड़ा गांठने वाला, एक सफाई वाला, और पता वो सब कौन है? वो सब SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग हैं, और आपको जानबूझकर ऐसा काम दिया गया है जिसमें पीढ़ी दर पीढ़ी आप मरते रहें सड़ते रहे, आपका बच्चा स्कूल कॉलेज न जा पाए, और इसलिए आपको तनख्वाह कम दी जाती है, मुझे लगता है कि कलेक्टर से ज़्यादा तनख्वाह सफाई कर्मचारी मुझे एक सोल्यूशन तो है, आप लोग काम ठप कर दीजिए। अच्छा एक बताइए, 5000 रुपया कमाने के लिए कुछ भी करके आदमी कमा लेगा भाई? नहीं, सबसे बड़ी समस्या है कि हम लोग कोई भी रोजगार खोल लें, कोई भी व्यापार कर लें, तो झाड़ू का समाज हमारे साथ में ऐसा जुड़ा हुआ है कि हम वाल्मीकि समाज कहलाते हैं, हमारा व्यापार नहीं चल पाता, जब लोगों को पता चल जाता है ये वाल्मीकि जाति के या अमुक कामगार समाज से लोग आते हैं तो शायद वो व्यापार ठप हो जाए। कैसी बात कर रहे हैं, मैं वाल्मीकि सदन में मैं 5 साल नौकरी किया है, मैंने कुछ जगह बात हो सकता है, मैं रोज जाता था वहीं से चाय बिस्कुट टॉफी चॉकलेट, ये धारणा तो है, जातिवाद छोटे शहरों में आप देखिए, गाँव देहातों में आप देखिए, नहीं कर सकते। मैं चंडीगढ़ से आया हूँ, नजदीक जीरकपुर पड़ता है, मैं वहाँ पर जिला स्तर पर अध्यक्ष हूँ। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।